हाय एवरीवन, वेलकम सिटी भाई सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश रूपी। सीटी यूजी 2024 वाले बच्चों के लिए ऐसे टॉप 5 अपडेट जो कि अभी आपको जानने जो बहुत जरूरी है। ऐसे कौन से 5 अपडेट हैं जो कि मैंने लिखा हो जाओ तैयार, दिस इज द ओनली टाइम। देखो केवल यही एक टाइम है। कोई कुछ भी बोले कि यार आपको अब केवल बोर्ड की प्रिपरेशन पर ध्यान देना है, लेकिन ये टाइम ऐसा है कि आपको बोर्ड की नहीं सीयूटी प्लस बोर्ड की प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। आपको ये पता होना चाहिए कि सीयूटी फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको क्या क्या चीजें आपके पास रहनी चाहिए, आपको पहले से क्या तैयारी करनी है, और कुछ ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं सीयूटी के अराउंड जो कि आपको हर रोज पता होने चाहिए, जो जो अपडेट आते रहते हैं एज पर दी वेरियस न्यूज सोर्सेज। चलिए बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये सारे अपडेट तो हैं ही, इनको मैंने नंबर 1 का नाम दिया है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट टेस्ट जो रहेंगे अब आपके 5 या 6 होंगे। मतलब उम्मीद पूरी है कि 6 मैक्सिमम सब्जेक्ट टेस्ट अब आप चूज करें। फिर रेस वाइज सिलेबस आ रहा है आपका डोमेन के अंदर, डिटेल सिलेबस आ रहा है आपका सेक्शन 1 और 3 के लिए अंदर, मतलब लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट के लिए। फिर इंक्रीज नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, इस बार पूरे पूरे चांसेस है कि ये नंबर 300 से लेकर 350 चला जाए। और बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बोल रही है कि भाई हम सीयूटी का स्कोर एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आगे आ रही हैं। अगर आप बात करें, देखिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो कि इंदौर की यूनिवर्सिटी है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी मैं बता रहा हूँ जो कि अपने एग्जिस्टिंग कोर्स को बढ़ा रही है। मतलब वो यूनिवर्सिटी जो थी डीएवीवी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, वो पहले कुछ कम कोर्सेज के लिए 20 या 22 कोर्सेज के लिए लिया करती थी सीयूटी का स्कोर, लेकिन अब 30 से 32 के लिए लेगी। तो यार ये जो है अब आपके एडमिशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये सारे के सारे अपडेट है, इनको मैंने नंबर 1 का नाम दिया है। दूसरे अपडेट की बात करें तो भाई इन सब चीजों की वजह से ये सब चीजें होंगी, हो सकता है क्या होगा ही, इजी एग्जाम होगा। और इजी एग्जाम अगर होगा तो आपको अभी के अभी अलर्ट पर रहना है कि कट ऑफ इज गोइंग टू बी हाई। मतलब कट ऑफ हाई कहने का क्या मतलब है, जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के नॉर्थ कैंपस कॉलेज में जाते हैं, जब आप देखते हैं कि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ 795.086 जा रहा है आउट ऑफ 800, आप देखते हैं कि दूसरे साल के अंदर ये जो कट ऑफ था 790 गया है, पूरे पूरे चांसेस है कि ये कट ऑफ 790 से 795 के बीच में ही रहे, उससे कम ना जाए। एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स के लिए कट ऑफ 780 से लेकर 785 जा रहा है, हो सकता है कि 790 भी चला जाए। इजी एग्जाम प्रोपोर्शनल टू दी हाई कट ऑफ, इस बात का ध्यान रखना। प्लस जो कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जब देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आएंगी, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी बढ़ेगी तो कंपटीशन भी बढ़ेगा। इस बार 11 लाख 16 हजार बच्चे ना होकर हो सकता है कि 15 लाख के आसपास बच्चे अपियर हुए। 15 लाख के आसपास अगर बच्चे अपियर हो रहे हैं तो यार कट ऑफ तो वास्तव में हाई जाने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए जो कंपटीशन है और भी टफ होने वाला है। 3,04,699 बच्चे, इतने बच्चे देखे गए थे आपके 2023 के अंदर। 2024 में पूरी पूरी उम्मीद है कि 3,75,000 से 4 लाख ये नंबर चला जाए, क्योंकि 2022 में ये जो नंबर था 2,17,000 था। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा ये नंबर बढ़ा है, और इस बार 2024 में पूरे पूरे चांसेस है कि ये इतना चला जाए। और क्योंकि 1,61,000 के आसपास, 1.61 लाख थी भाई टॉप कॉलेज की प्रेफरेंस, जैसे कि किरोरीमल कॉलेज, रामजस कॉलेज, तो पूरे पूरे चांसेस है कि 1.75 से लेकर 1.9 लाख रहे। इतने बच्चे अप्लाई करें टॉप कॉलेजेस के लिए। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का टॉप कॉलेज, एक ऐसे कॉलेज को टारगेट करें जो कि करियर प्लेसमेंट परस्पेक्टिव से आपके लिए अच्छा है, जो कि बढ़िया करियर आपको देता है, बढ़िया प्लेसमेंट देता है, तो अभी से आपको हाई अलर्ट पर रहने की जरूरत है। चौथी सबसे बड़ी बात, सीयूटी यूजी का ऑफिशियल मॉक आपको मिल जाएगा भाई। हाउ टू अटेम्प्ट, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा। एक वीडियो इसी चैनल पर आ चुकी है, अभी आज 12 बजे वो रिलीज हुई है, आप जाओ उस पर देखो, वहां पर सीयूटी यूजी ऑफिशियल मॉक रिलीज करके लिखा हुआ है। आप उस मॉक को जाकर अटेम्प्ट करो और देखो कि किस तरीके के टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और आपको मॉक का लिंक उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डलवा दूंगा। इसके अलावा स्पीड एंड एक्यूरेसी गोना प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस सीयूटी एग्जामिनेशन, क्योंकि यहां पर जो टारगेट होता है 800 में से 800 होता है। जब आपको देखने के लिए मिलता है कि यार 797 कट ऑफ जा रहा है, 795 जा रहा है, 792 कुछ जा रहा है आउट ऑफ 800, तो टारगेट तो आपको 800 में से 800 बनाकर चलना ही पड़ेगा। अगर एक सवाल गलत होता है तो नॉर्मलाइजेशन के दौरान हो सकता है कि आपके 6 मार्क्स ना कटे, ऐसा हो सकता है कि 795-796 नंबर आ जाए। नॉर्मलाइज स्कोर के दौरान, नॉर्मलाइजेशन के दौरान हमेशा अमूमन देखा जाता है कि स्कोर बढ़ता है, वैसे कम भी होता है लेकिन ज्यादातर केस में स्कोर बढ़ता है, तो ऐसा हो सकता है।
आपको 797 795 मार्क्स मिल जाए अगर आपके 100% मार्क्स सही है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में स्कोर कम भी होता है। तो आपको 800 में से 800 अपना टेबल पर लिख देना, अपने स्टडी टेबल पर लिख देना कि भाई 800 में से 800 स्कोर लेकर आना है। 800 मैं कैसे बता रहा हूँ, एक लैंग्वेज मैंने ले लिया है, तीन डोमेन ले लिए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ज्यादातर केसेस में यही कॉम्बिनेशन मांगती है, तीन और एक चार, मतलब 200 नंबर का एक पेपर हो गया तो 800 हो गया। 800 में से 800 अभी के अभी आप अप्लाई करके चले। अब इसके अलावा गाइस सीयूईटी बाय सुपर गैट्स टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी अपडेट हो, कोई भी पीडीएफ मटेरियल हो सीयूईटी या बोर्ड्स के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी ऐसी जानकारी हो जो कि इस समय आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहां पर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।